बेहतरीन कॉमेडी करने के साथ फिल्मों में कदम रख चुके कपिल शर्मा की नई फिल्म जल्द आने वाली है। कपिल ने कहा है कि कड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। कपिल शर्मा ने खास बातचीत में बताया कि उन्होंने यहाँ तक की यात्रा करने के लिए पागलों की तरह काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस बारे में बताते हुए कपिल शर्मा कहते हैं, मैं अपने काम को लेकर बहुत सजग हूँ। मैं पागलों की तरह काम करता हूँ। मुझे लगता है बैलेंस होना चाहिए। मैं काम भी करता हूँ तो 18 से 18 घंटे शूट भी करता हूँ। पागलों की तरह काम करने के कारण ही शायद इतना अच्छा फल भी मिला है। इतना काम करने के चलते मैं बीमार भी हो गया। मुझे लगता है जितना चाहे सोच लो, होगा तो वही जो रब चाहता है। गौरतलब है कि कपिल शर्मा की फिल्म फिरंगी आने वाली है। यह उनकी दूसरी फिल्म है। इस फिल्म के बारे में बताते हुए कपिल शर्मा कहते हैं, फिल्म की कहानी यह नहीं कहती कि अंग्रेज महान थे, बल्कि फिल्म भोले भाले लड़के की कहानी है जिसे नहीं पता कि अंग्रेज की पॉलिसियां देश विरोधी हैं। फिल्म फिरंगी 1 दिसंबर रिलीज को रिलीज रही है, जिसका निर्देशन राजीव ढींगरा ने किया है। कपिल की इससे पहले किस किस को प्यार करूं फिल्म आ चुकी है। इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाकर 1 दिसंबर किया गया है। इस तारीख पर पहले पद्मावती रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवाद बढ़ता देख फिल्म मेकर्स ने रिलीज अनिश्चित काल तक के लिए टाल दी।